Okay, in this video we will discuss about what happens to the glucose. Means, अब ये जो ग्लूकोस शुगर सॉल्यूशन हमने बना लिया था फूड इन द सिंपल वर्ड फॉर द प्लांट आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कहाँ हुआ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ के वेन में और वो कौन प्रोवाइड करता है फ्लोइंग सेल टू प्रोवाइड ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोस व्हेन इट मेक्स एंड प्रोवाइडेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें क्या चेंजिंग आती है. सो लेट स्टार्ट विद द रीडिंग. Glucose is a type of sugar. It is the food made by a plant during photosynthesis. A plant can use the glucose it makes in many ways. Glucose को plant के different part में different तरीकों से use किया जाता है. ठीक है, four ways यहाँ पे दिए गए हैं. ये arrows के directions आपको नजर आ रही होंगी. The first use है रिस्पायरेशन. ग्लूकोज इट विल बी यूज इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये एनर्जी देता है प्लांट्स की और दे प्रोवाइड एनर्जी टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल. जो जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं ऐसे ही प्लांट के भी सेल्स होते हैं एंड दिस ग्लूकोज सोल्यूशन प्रोवाइड टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन. राइट, एंड ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस नाइट में भी होता है. सो ये सम ऑफ इट विल बी यूज इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी. रिस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट सेल ऑल द टाइम इवन एट नाइट. सो ग्लूकोज का फर्स्ट पर्पस फर्स्ट बेनिफिट to provide quick energy to every part of the plant cells. Right, the second, some glucose will be changed into starch or oil and stored. Starch वो form होती है जो stored हो जाए, जब वो उस वक्त यूज होती है जब photosynthesis का process नहीं हो रहा होता. Into starch or oil and stored in the ये roots में भी stored होती है, stem में, seeds में भी and fruits में. Because starch energy तो सबको चाहिए ना, plant के सारे parts को चाहिए. When it is needed, it is changed back into the sugar. ठीक है, और फिर जहां required होता है इट इज चेंज इन टू द शुगर. राइट, एंड देन दे और ये किसके थ्रू मूव करता है, फ्लोइंग ट्यूब्स के थ्रू. दे प्रोवाइडेड एनर्जी टू ऑल पार्ट ऑफ द शुगर सोल्यूशन टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड अदर वे इज सम ग्लूकोज इज चेंज्ड इन टू सेल अलूस टू मेक अ न्यू सेल वॉल. कुछ जो स्टेम में, ये स्टेम का पार्ट है, इस स्टेम में कुछ ग्लूकोज जो है वो सेल अलूस चेंज हो जाता है सेल अलूस फॉर्म में. इसका मतलब है दे मेक अ न्यू सेल वॉल. सेल वॉल वो होती है जो इट गिव द सपोर्ट टू द प्लांट. विदाउट सेल वॉल आपका प्लांट जो है उसको सपोर्ट नहीं मिलती, वो अपनी जगह पे खड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, वरना वो बेंट हो जाए. सेलुलोज गिव अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट टू प्लांट सेल्स. इट हेल्प द प्लांट सपोर्ट इट सेल्फ. ठीक है, कि वो सेलुलोज उसकी जो सेल है ना, प्लांट जैसे एनिमल सेल था इसी तरह प्लांट सेल होता है, उसकी जो सराउंडिंग होती है एक तो सेल मेम्ब्रेन और उसकी जो आउटर है दैट इज अ सेल वॉल. सेल वॉल का मकसद है टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट.
सो ये तीसरा थ्री थर्ड वे था टू फॉर यूजिंग अ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म को यूज करना. नाउ अनदर फॉर्म, सम इज जॉइंड, कुछ जो ग्लूकोज होता है कि ग्लूकोज के साथ क्या होता है कि मतलब जब शुगर सॉल्यूशन बन गया अब क्या करेंगे हम, तो वो ग्लूकोज जो है द फोर्थ पॉइंट, सम इज जॉइंड अप विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल इज जॉइंड अप विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन. प्लांट्स नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ, ठीक है, जैसे हमें प्रोटीन चाहिए होता है टू ग्रोथ के लिए, ऐसे प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए होता है. तो वो कहाँ से लेते हैं, व्हेन इट दिस ग्लूकोज सॉल्यूशन जॉइंड विद द मिनरल, लाइक वो कौन से मिनरल के साथ ज्वाइन करता है, नाइट्रोजन के साथ. नाइट्रोजन के साथ जब ज्वाइन करता है एंड देन दे गिव अ प्रोटीन, दे मेक अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में जो हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है. डिड यू नो में आए, टू मेक अ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम कंबाइन विद ग्लूकोज, मैग्नीशियम कम्स फ्रॉम द सॉइल एंड इज टेकन अप विद वाटर बाय द रूट्स, ठीक है. मैग्नीशियम एक केमिकल है, मिनरल है, वो कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ तो दे मेक अ क्लोरोफिल, ठीक है. एंड ये मैग्नीशियम कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द सॉइल और वो वाटर जो आपकी जाइलम ट्यूब्स लेके आती हैं के थ्रू आता है. और जाइलम ट्यूब्स कहाँ से वाटर को कैरीड अवे करता है, फ्रॉम द रूट. व्हेन इट दिस मिनरल कंबाइन टू ग्लूकोज व्हाट हैपन, इट मेक्स अ क्लोरोफिल. सो अनदर टॉपिक, प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट वाटर वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. अगर वाटर मिलेगा तो दे कैरीड अवे, जाइलम ट्यूब्स इज कैरीड वाटर मिनरल टू द लीव. वाटर अब एंटर कहाँ से होता है, ठीक है, यू कैन सी दिस पेज नंबर 73 पे, यू कैन सी दीज रूट्स. रूट्स होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, दे ऑल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ये वाटर मिनरल लेके जाता है सॉइल में. फिर उसके साथ होती हैं रूट हेयर्स, दीज आर द रूट हेयर्स. रूट हेयर्स हैव गिव अ बिग सरफेस इनसाइड द सॉइल एंड एब्जॉर्ब मोर वाटर, उसको स्पेस देती है मोर वाटर एंड मिनरल्स पिक करने के लिए फ्रॉम द सॉइल. सो रूट्स, दीज आर आल रूट्स, और ये उसकी रूट हेयर्स है. और रूट हेयर्स जो है, अगर रूट्स नहीं हो तो आपका प्लांट जो है वो फर्मली होल्ड नहीं हो सकता. अब द क्वेश्चन कम इन आवर माइंड, हाउ वाटर एंटर इन द roots. Water enters a plant through its root. Roots are branch spreading out through the soil as far as they can. ठीक है, root hairs, their surface area is increased by many thousand of the tiny root hairs. ठीक है, यहाँ surface area में below the soil thousand tiny hair cells होते हैं root के, जो spreaded होते हैं and they pick up more and more. रूट हेयर सेल हैव अ वेरी थिन सेल मेम्ब्रेन, की बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू दे अलाउ, दे लेट वाटर एंड मिनरल टू पास थ्रू दीज मेम्ब्रेन ईजीली. इट ऑल्सो मीन दैट द सेल कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ये वाले जो सेल हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर इन स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स में ऑक्सीजन होती है वो रिसीव करते हैं इसी मेम्ब्रेन के थ्रू. दिस ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपायरेशन इन रूट सेल, जो रूट के सेल की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है. सो ऑक्सीजन उसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है.
So in this way water entered into the plant. ठीक है, अब वो enter हो गया. Then the next, what is the next process? So next process is how plant take in water. ठीक है, अब वो पानी कैसे लेता है. Root hair cell में कैसे पानी एक सेल से दूसरे सेल में जाता है. सी ठीक है, दिस इज द पिक्चर यू कैन सी. दिस इज द इनसाइड द रूट हेयर रूट सेल्स पिक्चर. दीज आर डिफरेंट सेल ऑफ द रूट्स. ठीक है, इनसाइड द सॉइल. द फर्स्ट पार्ट, वाटर एंटर रूट हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल. ठीक है, जो वाटर है, जो आप पानी जब डालते हैं जमीन में, तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें से जो वाटर मिनरल्स हैं वो रूट अपनी बिग सरफेस जो स्प्रेडेड रूट हेयर सेल है उनके जरिए वो पानी जो है वो पिक कर लेता है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल. अब दिस इज द सेकंड थ्योरी कि एक सेल से दूसरे सेल को वाटर मॉलिक्यूल पास ऑन करना. मतलब दीज आर डिफरेंट सेल्स. ठीक है, इस सेल को वाटर मॉलिक्यूल मिला. ठीक है, व्हेन दे फुलफिल, व्हेन दिस सेल फुलफिल देयर नेसेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट दे टेक अ नेक्स्ट स्टेप. इट This cell pass this water molecule to another cell. Then when this cell fulfill the necessity, what happens? Then this cell passes water molecule to another cell. In this process is called osmosis. When water moves from cell to cell across the cell membrane, ये जो सेल की जो सराउंडिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके जरिए वाटर मॉलिक्यूल वो पास करता है टू एन अदर. इस तरह पूरे रूट हेयर सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल जो है अपनी नेसेसिटी को फुलफिल कर लेते हैं. अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो वाटर सिर्फ एक सेल, जैसे अगर स्टूडेंट्स क्लास में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो एक ही अगर एक ही स्टूडेंट ने वाटर बॉटल लेके आया हुआ है तो वो सिर्फ उसने पानी पी लिया, उसकी नेसेसिटी फुलफिल होगी. देन दूसरे को प्यास लगी तो उसने उसको भी वो वाटर बॉटल दे दी. ठीक है, इस तरह पास ऑन टू द थर्ड स्टूडेंट, पास ऑन टू द फोर्थ स्टूडेंट. इन दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज इसकी राइट डेफिनेशन है, इट मूव्स फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन. हायर रीजन मीन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिला इसको. ठीक है, ये रूट हेयर सेल्स है, ये रूट के सेल्स है. अब इसको वाटर मॉलिक्यूल मिला तो इसने यहाँ अपनी नेसेसिटी फुलफिल करके दे पास ऑन द वाटर मॉलिक्यूल टू एन अदर सेल. किसके थ्रू? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू वो वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट को. इस तरह सारे रूट हेयर सेल्स को वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा. जहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जहाँ पे कम है वहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल उसको मिल जाएगा. देन थर्ड है, ये देखिए जाइलम ट्यूब्स इन स्टेम. ये जाइलम ट्यूब्स, दी जाइलम ट्यूब्स कैरीड अवे वाटर मिनरल. ठीक है, और टू प्रोवाइडेड द लीव, लीव को वो जाके वो देगा. थर्ड पॉइंट है, सेकंड प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मीन वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल. ठीक है, वाटर एंटर हो गया रूट में फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल. जो सॉइल में पानी था उसने रूट के थ्रू, उसकी बिग सरफेस के थ्रू उसने रिसीव कर लिया. द थर्ड पार्ट, वाटर इज पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय द प्रेशर. ठीक है, फिर वाटर को पुश होता है बाय द जो जाइलम ट्यूब्स हैं
इन स्टेम्स वो कैरीड अवे करेंगी वो वाटर मॉलिक्यूल एंड मिनरल टू द लीव पार्ट, लीव पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो दिस इज हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द साउंड सराउंडिंग. दीज आर द थ्री मेन पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट, वाटर एंटर रूट हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. देन वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. नाउ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर आपके हर सेल तक पहुंच गया. देन इट पुश द वाटर मॉलिक्यूल बाय द इन टू एंड अप द लीव बाय द जाइलम ट्यूब्स. फिर जाइलम ट्यूब्स के थ्रू वो वाटर मिनरल लीव पार्ट तक पहुंचा. तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी प्लांट, हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर, राइट. Underlying root hair cells take in water by a diffusion process called osmosis. During osmosis, water moves from a region of high water concentration to a region of low water concentration. ठीक है, जहाँ high concentration से low तक गई, मतलब जहाँ पहले यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक water molecule को provide किया. Water enter the root hair cell because the concentration outside is stronger than inside. As more water enter the root hair cell, they now have more water than the cell next to them. So water moves by osmosis. ठीक है, अगर ये osmosis का process नहीं होगा तो एक ही cells तक water जो है वो limitize हो जाएगा, जिसकी वजह से water carried नहीं कर सकेंगी xylem tube जो present होती है stem और roots में, वो फिर लीव तक नहीं लेके जाएंगी और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगा. फिर आ जाए जी. सो दिस इज ऑल, आई होप इट इज क्लियर टू यू.